हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश जीके के क्वेश्चन में दोस्तों आपका वेलकम है। दोस्तों तो अभी तक दोस्तों स्टडी रोजगार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, चिकन पर गोटे का काम और जरी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो लखनऊ शहर फेमस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी मिट्टी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो खुर्जा जो शहर है वो फेमस है चीनी मिट्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस नगर में हर्षवर्धन के समय में नगर महोदय श्री कहा जाता है? तो दोस्तों ये कन्नौज नगर को कहा जाता है दोस्तों, नगर महोदय श्री दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने पत्थर के भंडार में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है चूने पत्थर के भंडार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकड़ी स्तूप उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये सारनाथ शहर के अंदर स्थित है दोस्तों, चौकड़ी स्तूप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में विद्यमान है? तो उत्तर प्रदेश का जो जिला है मुजफ्फरपुर, वहाँ पर स्थित है चौधरी चरण सिंह स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76 मंजिल पैलेस किस उत्तर प्रदेश के नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है 76 मंजिल पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा दिल्ली और उद्योग की नगरी से कौन सा नगर चर्चित है? तो दोस्तों गाजियाबाद चर्चित है दोस्तों, छोटा दिल्ली और उद्योग नगरी के नाम से। हथियारों हाथियों के संरक्षण हेतु किस जिले में एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की है? तो बिजनौर और सहारनपुर में घोषणा की दोस्तों एलिफेंट रिजर्व की, ताकि हाथियों का संरक्षण किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान है? तो पहला स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनेश्वर मिश्र बलिया के किस गांव में वतनी थे? तो ये शुभनतही गांव के वतनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिरगो जलाशय बांध उत्तर प्रदेश के किस नगर के निकट स्थित है? तो ये दोस्तों मिर्जापुर जो नगर है उसके निकट स्थित है दोस्तों जिरगो जलाशय बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला योजना समिति कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो 40 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं जिला योजना समिति के। जुलाहा दंपति नीरू और नीमा द्वारा किस संत का पालन पोषण किया गया था? तो ये जो संत है कबीर दास जी, उनका पालन पोषण किया गया था दोस्तों जुलाहा दंपति नीरू और नीमा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश का जो नगर है कौशाम्बी, वहाँ पर स्थित है दोस्तों जैन और बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों मथुरा के अंदर स्थित है जैन संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेस चौहान और शाद खान जैसे उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? तो अलीगढ़ जिले के निवासी थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टसर रेशम अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये सोनभद्र के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपरा व मेरठ के अशोक स्तंभ के लेखों को किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली लाया गया? तो फिरोज शाह के द्वारा लाया गया था दिल्ली अशोक के स्तंभ और अभिलेखों को। अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश जीके के क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों।